नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन डी पर। जसपाल कंचन मेरा नाम है। आज मैं पहुंचा हूं सिंघाना गांव में। जी हां, सफीदों के मुआना रोड पर जो गांव पड़ता है सिंघाना, वहीं पर मैं पहुंचा हूं। और यहां पर एक मामला आया है, जैसे कि आपको पता है नवरात्रे, चैत्र के नवरात्रे चल रहे हैं और इस उपलक्ष में व्रत रखे जाते हैं घर घर में, हर घर में व्रत रखे जाते हैं। और सिंघाना गांव के भी कुछ परिवारों ने व्रत रखे थे। और जब व्रत रखे तो इसमें कुछ ना कुछ वो खाते हैं, शाम किए हैं, कुट्टू का आटा है, फल है, फ्रूट है, दूध है। और यहाँ पर एक मामला आया है कि कुट्टू का आटा खाने से कुछ परिवार बीमार हुए हैं। उसी के बारे हम यहाँ पर पहुंचे हैं जानने के लिए कि आखिर मामला है क्या, कैसे उन्होंने खाया, कहाँ से खाया और क्या उनको दिक्कत आई है। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सर। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्कार जी। जानना चाहेंगे आपका नाम? मैं जितेंद्र कौशिक जी, हरियाणा प्रदेश जी से हूँ और अपने लोक जनशक्ति पार्टी से मैं अपना हरियाणा को देखते हैं। और पद क्या है? मेरे पास प्रदेश महासचिव। प्रदेश महासचिव जी, बिल्कुल बिल्कुल। क्या मामला हुआ है, कैसे, क्या दिक्कत आई है? मामला ये है कि मैंने सोचा कि लास्ट के वक्त क्यों ना रखे जाए माता रानी के जी। तो कल से मैं व्रत रखा मैंने और कल शाम को 4 बजे मैं कुट्टू का आटा लेकर आया। हमारे पास में ये एक दुकान जी, क्या नाम है दुकान का? दुकान का प्रीतम के नाम से है जी। और ये दलशेर के नाम से है। पहले मेरी मिसिज दलशेर के पास आटा लेने गई है जी। तो इन्होंने 120 रुपए किलो बोला जी। तो मुझे भी लगा ये महंगा है, मैं चल कोई बात नहीं मैं वो करने दे जी। तो मिसिज कहने लगी तो इससे तो रहन दो, आप मैं आप उनसे ले आओ प्रीतम से जी। मैं ठीक है प्रीतम से लाऊंगा। तो मैं वहाँ से गया कुट्टू का आटा लेने, तो उनकी मिसिज मिली मुझे जी। तो मैंने पूछा जी रेट क्या है, बोले 80 रुपये किलो। तो मुझे बहुत अजीब लगा कि गांव के गांव अंदर में, और जो ये कोरोना वायरस का पूरे हरियाणा पूरे देश के अंदर चला हुआ है, एक बहुत महामारी बीमारी, इस दौरान जो ये लोगों का फायदा उठा रहे वो गलत है। मैंने सोची ये बात, मैं फिर भी चुप रहा, चल कोई बात नहीं जो कर रहे हैं करने दीजिए जी। उसके बावजूद फिर उनमें आधी किलो वहाँ से लेकर आया जी। तो आधी किलो आटा लेकर आने के बाद जैसे मैंने घर पे दिया, 7 बजे मैंने खाना खाया, 7:30 7:45 का टाइम था। उस बावजूद खाना खाने के बाद में तो मेरे मित्र है गए, मैं उनको बोला हम जैसे टहल लेते हैं गली में जी। तो मैंने उसको बोला भाई आ जाओ मुका इधर मुका बस घूम लें गली में। तो किस टाइम खाना खाया आपने? हमने 8 बजे के आसपास। हाँ जी। फिर तो उसके बाद किस टाइम आपको दिक्कत शुरू हुई? मैंने उनको बुलाया तो घूमने लगे, वो भाई भी आने लगे, तो कहने लगा भाई आज मैं देर लगा दी, महावीर अपने मित्र हैं पास में बैठे हैं, मैं देर लगा दी, कह रहे भाई कचौड़ी खा रहा तो खा गया। मैं भाई आज घर पर ही मैं कुट्टू आटे की रोटी बना रखी थी जी। अच्छी खा गया, अच्छी खाई मैं, मैंने 4-5 रोटी मैंने बोला जी। तो कहने लगे इसके बड़े वाले भैया जी, कहने लगे आपने कैसे खा लिया यार वो कुट्टू की, ये तो मर के बचा है महावीर 2 दिन पहले, तुझे पता नहीं मगा, मुझे तो पता नहीं यार क्यों घर में रह रहे कहीं जा नहीं रहे, पता नहीं इस चीज़ का, ये तो मर के बचे है अभी। तो मगा भाई खा ली के करा मखा, तो एक दो रोटी बाद में बच रही थी जो, तो मेरी मिसिज ने भी खा ली वो जी। तो मुझे घर पे आ गया तो मैं मिसिज को बोला मखा ऐसी ऐसी बात है, महावीर को भी प्रॉब्लम होगी तो मैं पता था तुझे करें, मुझे तो पता ही नहीं इस बात का। फिर मखा खाए पी ली और के वहाँ जो भी होगी देखी जाएगी जी। तो मैं लेट गया जी थोड़ी देर उधर जाके, बच्चे इधर टीवी वगैरह देख रहे थे जी। तो कुछ देर बाद आई मेरी मिसेज बच्चे को छोड़ने उधर, तो कहने लगी मुझे तो चक्कर आ रहे हैं वो तेज घूमता रहा है मेरा, या बैठी मैं बैठ जाए फिर मगा जी। मैं तो पहले कह रहा था मगा इमरजेंसी में मगा डॉक्टर साहब का नंबर रखना पड़ेगा, मगा राजेश जी हैं डॉक्टर जी हमारे गांव के बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, तो मैंने उनको कॉल करी डॉक्टर साहब को, तो कहने लगी जी मेरा शरीर काम रहा मगा, मैंने उनको कॉल करी मैं डॉक्टर साहब वैसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो कहने लगे वो आप आ जाओ टैबलेट ले जाओ। बल्कि महावीर जी को और इनके भैया को मैंने बुला मंगा भैया से इस प्रॉब्लम में चलो, तो मैं इसको साथ लेके जाना लगा दवाई लेके आए, तो बोल के कहने लगे भाई सुबह लगवाओ बगैर से वो काम नहीं चलेगा, प्रॉब्लम हो जाएगी 1:30-2 बजे बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके ऊपर बीती हुई है वो चीज़। तो मैं मिसिज को कहने लगे आप साथ चलो, गाड़ी मैंने निकाली तो हम गए, बच्चे भी साथ में थे, तो डॉक्टर साहब ने कहा कह रहे आप ये अभी टैबलेट लो ठीक है, अगर ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं फिर दोबारा जाऊँगा। जैसे टैबलेट ली तो इनको दस्त भी लगे हैं, उल्टियाँ भी आई हैं, मतलब इनकी हालत बिल्कुल गंभीर हो चुकी थी कि जिससे ये उठ ना पाए जी। गिलास पानी का खुद उठाकर पानी ना पी सके जी। ऑलरेडी अभी बहुत कंपन है उनको, अभी नॉन स्टॉप पानी पी रहे हैं खा रहे हैं, लेकिन जो ये हो रहा है गांव के अंदर ये बहुत गलत है। इससे पहले हमारे गांव में एक महावीर भाई जी बैठे हैं जी। एक हमारे यहाँ पे
गिरधारी हैं, वैसे व्यापार करते उनके साथ हैं। भी ये दिक्कत हो हाँ चुकी है वो तो कुट्टू गैटो से। हाँ वो तो एडमिट भी 3 दिन में आए, एडमिट होकर वो 3 दिन में आए हैं जी जी हॉस्पिटल से। पप्पू मिस्त्री कई हैं ऐसे, जी कई तो हादसे क्या हुए हैं। क्या जब आपने दुकानदार से बात की उनका क्या रिएक्शन था? मेरे पापा जी गए थे सुबह तो कहने लगे जी हम तो सफीदों से लेकर आते हैं, हम आगे सप्लाई कर देते हैं, जी तो इसका मतलब ये तो नहीं आप इंसान मारने का, आपने ठेका ले रखा सप्लाई कर देते हो। तो आप ये भी देखिएगा ना जी कि भाई एक ठीक है गलत है, उससे पहले मेरे से पहले भी 2-3 केस हो चुके हैं, तो आपको तो पता लगना चाहिए, आपको खुद रोक देना, हाँ रोक देना आप चाहिए। जहाँ पहले से लेकर नवरात्रे आ में रहे जब हो, दिक्कत आई थी तो उसके बाद वो सप्लाई रोक देनी चाहिए थी। आज जहाँ से आप लेकर आ रहे हो उसकी कंप्लेंट करो आप। जी ऑलरेडी हम तो खुद भी बोलते हैं लोगों को भाई कोई दिक्कत है कोई प्रॉब्लम है हमें बताओ, हमें तो प्रॉब्लम हो गई। अब क्या क्या चाहते हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि ये जो ज़्यादा से ज़्यादा ये गलत हो रहा है, ये गलत चीज़ें बेची जा रही है, मिलावटी चीज़ें बेची जा रही है, इनको रोक करी जाए। जी भाई गांव वालों को दे देते हैं, जो सफीदों शहर में बैठे हैं उन पर जी कार्रवाई होनी चाहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप देख देखिए अब सकते जो हैं, भी देख सकते हैं यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक और भाई हैं हमारे महावीर, उनसे भी हम जानेंगे कि उनके साथ कैसे बीती थी। महावीर जी क्या क्या मामला हुआ था आपके साथ भी? मेरे साथ रात को 2 बजे के करीब रात को जैसे ही मैं उठा सर में चक्री ही आई, चक्री आगे मैं बाहर निकला, बाहर निकलते मतलब आवाज़ भी बंद होगी, ऐसे शरीर ऐसे हिलने लगा जैसे अदरंग हो जाता पूरे शरीर में। तो मैंने मेरे मिसिज को भी उठाया, मिसिज को भी यही सेम कंडीशन होगी, वो भी ऐसे ही उठते ही पड़ गई, और मेरे को भी ऐसे ही हो रहा है, उसकी भी आवाज़ बंद हो गई। हमने अपनी मम्मी को उठाया, कब की बात मैं है ये? पहले ये फर्स्ट नवरात्रि की रात की बात है। नवरात्रि की हाँ बात पहले है। नवरात्रि की रात की कौन बात से है दुकानदार से लाए थे ये, आप? मैं तो यही मेरे पड़ोस में दलसेर ही दलशेर प्रजापति की से। दुकान है वहाँ से ठीक लेके है आए। तो फिर उठा, मम्मी ने देखा कोई कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, तो भाई को बुला, भाई ने डॉक्टर ले गया, डॉक्टर साहब ने उस टाइम ORS के घोल और टीके जी लगाए, कम 2-6 बजे तक उन्होंने होगा, 6 बजे के बाद उल्टी आनी स्टार्ट हुई, तब जाके शरीर में ऐसा हुआ कि हाँ जान बच जाएगी, पर नहीं तो ऐसी कंडीशन हो गई जैसे अटैक वगैरह की कंडीशन हो जाकर, ऐसी कंडीशन में पूरा शरीर हिलने लग गया था, पूरा शरीर आपका सुन्न हो गया पूरा था, शरीर कंपन मार रहा था, कप मतलब कपी इतना थी टेम्परेचर इतना हाई हो गया था शरीर का, जी। बहुत ज्यादा ऐसा हो गया था तो कि बड़ी कभी भी मुश्किल से फिर आपकी मुश्किल जान बची बड़ी है। मुश्किल से जान बची है। अकेले थे परिवार में, खाने वाले नहीं या और नहीं भी थे? मैं और मेरी मिसिज दोनों थे, तो उनकी कैसी हालत थी? उनकी सेम कंडीशन थी दोनों की। ठीक, तो फिर सुबह हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा या हॉस्पिटल यही नहीं, यही गांव से ही दवाई डॉक्टर से बुलाया, ही? उन्होंने टिक्के लगाए और मेडिसिन दी, मेडिसिन देने के बाद फिर हर 5 मिनट बाद ORS का घोल पीते रहे, पीते जी 6 बजे उल्टी लगनी स्टार्ट हुई, जी तब तब जाके जाके रहे, कहीं आप ठीक तब हो गए। जाके कहीं तो रहे। इस बारे में जब आपने दुकानदार दलशेर से बात की तो उनका क्या कहना था? इस बारे में दिलशेर से बात, उन्होंने तो उसी टाइम फेंक दिया था वो आटा, भाई अब मैं दोबारा नहीं यूज करूंगा दोबारा। और अब वो दोबारा से फिर बेच रहे हैं? उसके बाद उसका तो नहीं पता दोबारा बेच रहे हैं कि नहीं बेच रहे दोबारा, फिर मैंने उससे बात भी नहीं की। जी बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं यहाँ पर बताते हैं कि दुकानदार है दलशेर से भी दिक्कत आई है, जो दूसरे दुकानदार हैं उनसे भी दिक्कत आई है, और फिर भी वो जारी रखे हुए हैं अपना कुट्टू काटा बेचना। हम अभी उनके पास भी जाएंगे, उनसे भी बात करेंगे कि आखिर मामला है क्या, इसमें मिलावट है या एक्सपायरी है, क्या वजह है। और जब एक मामला आ गया तो उसके बाद उन्होंने इसको बेचना या खरीदना क्यों जारी रखा है, ये सब सवालों के लिए बने रहे कंचन टीवी के साथ। और जितेंद्र जी की धर्मपत्नी भी हमारे साथ है बात करने के लिए, उनसे जानेंगे कि कैसे कैसे क्या स्थिति से वो गुजरे हैं, किस तरह की परेशानी उनको झेलनी पड़ी है। किस टाइम आपने रोटी खाई थी? मैंने शाम को 7:30 बजे रोटी खाई थी जी, और इसका इफेक्ट 9 बजे होना शुरू हो गया था। जी और उससे इफेक्ट जैसे ही शुरू हुआ तो मेरे शरीर में कंपन शुरू हो गया, जी हाथ पैर में बहुत। उसके बाद मेरे आंखों के अंधेरा छा गया, एकदम से चक्कर जी आने लग गए, जी हल्के हल्के होते होते 10-11 बजे बहुत ज़्यादा होने लग गया। जी फिर मुझे उल्टी टैबलेट ली, दवाइयाँ ली मैंने, उसके बाद उल्टी वगैरह हुई बहुत ज़्यादा, और सारी रात मेरी हालत बहुत ख़राब रही। सुबह जाके थोड़ा सा आराम, इंजेक्शन वगैरह लगवाए जी, जाके थोड़ा सा आराम अभी हालत कैसी है? है थोड़ी कंपन हो रहा शरीर में, बाकी तो घबराहट ठीक। हाँ कंपन हो रहा घबराहट है। सी हो रही है, जी। बाकी तो ठीक है। तो क्या चाहेंगे आप दुकानदार के खिलाफ, जहाँ से ये होलसेलर से खरीदा गया उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होनी चाहिए? मैं ये चाहती हूँ कि वो लोग ये चीज ना बेचे, और आगे जिन लोगों से वो सामान लेते हैं जी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए इस बारे में। हाँ तो देखा आपने, ये महिला भी कहते हैं कि जहाँ से भी ये आता है ये उस पर रोक लगे और उनके खिलाफ कार्रवाई हो, ताकि
किसी और परिवार के साथ इस तरह की अनहोनी घटना ना हो, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ। अब हम दुकानदार के पास भी जाने वाले हैं, उनसे भी जानने वाले हैं उनका पक्ष। अब हम दलशेर की दुकान पर पहुंचे हैं। रामस्वरूप उनके पिताजी हैं, दुकान अभी लॉकडाउन की वजह से उन्होंने बंद कर रखी है। उनसे हम जानेंगे उनके पिताजी से कि क्या जैसे कि बताया जा रहा है यहाँ पर कुट्टू काटा खाने से बीमार हुए हैं, आपकी दुकान से कुट्टू काटा गया था, क्या कहना चाहेंगे? कुट्टू काटा हमने तो बच्चे को फिर हमने खुद भी यूज करया है, मतलब जिसका भी प्रॉब्लम आई उन्होंने बताया इसमें प्रॉब्लम है। महावीर का दिक्कत आई है, जिस तरह गर्दारी का आई थी वो प्रीतम का लेके आया था, और दूसरा मतलब सभी दुकानदार लेके आ रहे हैं कुट्टू काटा तो मंडी था, तो हमारी दुकान पर जो प्रॉब्लम आई हमने तुरंत नाली में घेर दिया, इसके बाद क्लोज कर दिया। ये बार नहीं बेचेंगे, मतलब दुकान भी क्लोज कर दी है, कुछ मान दे नहीं, तो बिल्कुल नहीं, बिल्कुल क्लोज कर दिया। तो अगर मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जो सफीदों में कौन से हैं होलसेलर या डीलर जिससे आप वो कुट्टू काटा लेके आए थे? वो तो अंकल बताऊंगे, जो कई दुकानदारों से सप्लायर आवे हैं। क्या पता किसका आ रहा होगा। तो अभी आप बने रहिएगा, हम दलशेर से बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे किन से उन्होंने आटा लिया है। अभी अभी जो दलशेर के भतीजे हैं उनकी बात हुई है दलशेर से, और उनसे जानेंगे कौन सी दुकान जो सफीदों में सब्जी मंडी है ना, सब्जी मंडी के बिल्कुल सामने राजेश करियाना स्टोर है, उससे हम हाँ उससे से हमारा सारा माल आता है, उसी से कुट्टू काटा आया था। तो उन्होंने जब आपने उनको कहा भाई दिक्कत है, तो तब उनका क्या रिएक्शन था? हमने और माल लिया ही नहीं उससे, जो भी माल था 1.5 किलो लेके आए थे वो बिल्कुल नाली में डाल दिया, इसके बाद क्लोज कर दिया। मतलब उधर जाके बोलेंगे, मंडी में जा नहीं पा रहे ना, इसलिए जाके बोलेंगे। अब वो कहते हैं कि जब दिक्कत आई थी उन्होंने सारा का सारा माल फेंक दिया है, और राजेश करियाना स्टोर जो सब्जी मंडी के सामने है वहाँ, अभी हम वहाँ भी जाएंगे, उनसे भी हम जानना चाहेंगे कि दिक्कत आई कहाँ से है। अब हम प्रीतम की दुकान पर है, सिंगाना गांव के जो दूसरे दुकानदार हैं जो कटघरे में खड़े हैं, प्रीतम वो हमारे साथ है। प्रीतम जी, आपकी दुकान से कुट्टू काटा गया है, कुछ परिवार बीमार हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? नमस्कार जी, पता क्या, मैं बाजार में गया था और वैसे तो मार्केट बंद थी, तो वहाँ से आटा लिया, और राम भगत है जो स्पीदों के अंदर थोक विक्रेता है उन्हीं से ये आटा लिया था, और उसमें कोई शिकायत आई हुई है पता नहीं लगा, उसमें एक दो परिवार को दिया है, तो देने के बाद इवून की तबीयत थोड़ी सी खराब हुई, तो इस करके 7 दिन हो गए हैं। 7 दिन में पहले भी आपके यहाँ से कुट्टू काटा गया होगा, कुछ परिवार नहीं, पहले भी बीमार होंगे? वही उसी कुट्टू के आटे से बीमार हुए हैं। कल जो गया था नहीं, हाँ वही आटा था जी। अभी तक कितने लोग बीमार हुए हैं? या दो तीन आदमी हुए हैं बीमार, दो तीन आदमी, दो तो जितेंद्र के घर से हुए हैं, एक गिरधारी के घर से, गिरधारी जो कहते हैं कि वो हॉस्पिटल भी रहे हैं 4-5 दिन। हाँ, 2 दिन हॉस्पिटल रहे हैं। तो जब आपके यहाँ से कुट्टू खा के वो बीमार हुए थे, तो आपने बंद क्यों नहीं किया? उसी टाइम पहले ही गया हुआ है, उससे इकट्ठा ही गया था ये पहले एकदम ही गया था, और इसीलिए मतलब ये हुआ है जी। तो अब आपने दुकानदार से राम भगत से संपर्क किया है, तो उसने क्या कहा? अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ हमारा उससे, और उसको हमने फोन पर कह दिया था भाई आटे में कोई दिक्कत है, उसने हमारे को ये मना कर दिया था भाई आगे बेची हो ना, इन्हें बंद कर दो, इसलिए हमने भी बंद कर दिया। और जिस जिसके घर पता लगे है भाई आटा है, तो हम वापिस मंगा रहे हैं। अगर कोई जानी नुकसान हो जाता तो उसका जिम्मेवार कौन होता, आपके वो राम भगत? इस बात का तो हमें भी नहीं पता कौन होता जी, इस बात के बारे में हम क्या कह सकते हैं जी। राम भगत की जो दुकान तो आप बता रहे हैं वो कहाँ पर पड़ती है? सफीदों में सब्जी मंडी के गेट के सामने है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि वो कहते हैं जो होल सेलर है राम भगत, सब्जी मंडी गेट के बिल्कुल सामने दुकान है, वहाँ पर हम जाने वाले हैं और पड़ताल करने वाले हैं कि आखिर गलती हुई कहाँ पे, मिलावट खोरी हुई है या फिर एक्सपायरी माल बेचा गया है, क्या आखिर वजह है। अब देखना होगा कि इस मामले में प्रशासन कदम क्या उठाता है। हम होलसेलर के पास भी जाएंगे, उसके बाद एसडीएम साहब के पास भी जाएंगे, डीएसपी साहब के पास भी जाएंगे, क्या रहने वाला है। तो बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ।